रहे हैं न्यूज पे। देखिए आरजेडी कार्यालय के बाहर एक वीडियो काफी तेजी से बाहर हो रहा है। उस वीडियो के बारे में पुष्टि तो नहीं किया जा सकता है कि आखिर क्यों मारपीट हुई है, लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मंत्री समीम अहमद पहुंचते हैं आरजेडी कार्यालय तो सुरक्षाकर्मी और पुलिस जवानों में जमकर मारपीट हो जाती है। यह कुछ सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री का गाड़ी भी लगा हुआ है और आरजेडी कार्यालय यानी ठीक गेट के पास किस तरीके से सुरक्षाकर्मी और एक जवान के बीच में भिड़ंत होती है और लात घूसों की बौछार हो जाती है। यह वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के बारे में कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर यानी आरजेडी कार्यालय का जो मेन गेट है उसी के पास जमकर पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी में मारपीट हो रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं बीच बचाव में कई जवान भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पिस्टल भी तानातानी की बात हो रही है, लेकिन खबरें स्पष्ट अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मी और जवान में मारपीट हो रही है, लात घूसे भी सड़क पर चल रही है। तस्वीरें कैमरा में कैद हुई है और इस तस्वीर कैमरे में कैद होते ही मामला अभी स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर सुरक्षाकर्मी और जवान आपस में क्यों भिड़े हैं। यह कुछ सेकंड का वीडियो जब कैमरे में कैद होती है तो आरजेडी कार्यालय के पास हड़कंप मच जाता है और मचने के बाद साफ जब कैमरे पर निगाह पड़ती है जवान और सुरक्षाकर्मी के तो वो दोनों शांत हो जाते हैं।